आपको सीधे लेके चलते हैं गुजरात के कच्छ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। दिवाली के इस अवसर पर अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को मिठाइयां खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात के कच्छ पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई है, जवानों को अपने हाथ से मिठाइयाँ खिलाई हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर गुजरात के कच्छ से, जहाँ पर जवानों के साथ दिवाली मनाते, दिवाली की खुशियाँ बांटते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इन जवानों के लिए दिवाली बेहद खास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर उनके बीच पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका हौसला अफजाई की है। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों को अपने हाथों से मिठाइयां भी खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से मिठाइयां खिलाकर इन जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जवानों के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत करके उनका हालचाल जाना, उनकी हौसला अफजाई की। इन जवानों के लिए ये दिवाली इस बार बेहद खास रही, क्योंकि उनके साथ उनकी खुशियाँ बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गुजरात के कच्छ से हैं, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की है। अपने परिवार से दूर देश की सेवा में जुटे इन जवानों के लिए दिवाली बेहद खास है, क्योंकि इस बार इनके साथ दिवाली मनाने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा भी जुड़ रहे हैं। केएम, ये मौका, ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जब इन जवानों को अपने हाथ से मिठाइयां खिलाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हों, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इनके साथ दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बेहद खास तस्वीरें जी, इस तस्वीर के तीन मतलब है, राजनीतिक मतलब है, पारंपरिक मतलब है और कूटनीतिक मतलब है। पारंपरिक मतलब ये है कि आज दिवाली है और दिवाली के दिन अपने जवानों से मिलकर उनको ये साहस और ढाढ़स दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार आपके साथ है, क्योंकि 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये इसका पारंपरिक है कि दिवाली के दिन हम अपने बच्चे, अपने भाई, अपने परिवार के साथ हैं। दूसरा कूटनीतिक ये है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में, मिडिल ईस्ट में इंसर्जेंसी है और लोग एक दूसरे के इलाके में ताक झांक कर रहे हैं, उनको ये मैसेज है कि भारत बिल्कुल सशक्त सेना है और उनकी सरकार बिल्कुल चौकन्नी है, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। और कूटनीतिक अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चीन को आज मुंह की खानी पड़ी है, तो चीन को और पाकिस्तान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि भारत के जितनी भी सरहद पे खुले एरिया हैं या जहां पे हमारी निगरानी है, वहां पे सेना की निगरानी के साथ साथ सरकार की निगरानी है, तो आप लोग सावधान हो जाइए, हमारा देश अक्षुण है, अक्षुण था और अक्षुण रहेगा, इसमें आप दखल करने की, देखने की कोशिश मत कीजिए। आरती, सही कहा आपने, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश आता है जब जवानों के साथ देश के प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हुए नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए जाता है कि हम एक साथ हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, और भारत की कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पर पहचान है, ये इसको और ज्यादा मजबूती देता है। क्या देता है मैसेज? इसलिए देता है कि देश का प्रधानमंत्री, आज आप देख लीजिए कि किसी का प्रधानमंत्री दिवाली में दिया जला के और अपने घर पे बैठा हुआ है, किसी का प्रधानमंत्री जो है वो भागरा कर रहा है, किसी का प्रधानमंत्री जो है वो जाके दिवाली पार्टी को अटेंड कर रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश के जवानों के साथ सरहद पे है, मिठाइयां बांट रहा है, उनसे हालचाल पूछ रहा है। और हालचाल पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने आज दिवाली कैसे मनाई, उनका मतलब ये होता है कि आपको क्या परेशानी आ रही है, आपको सैटेलाइट सपोर्ट चाहिए, आपको ड्रोन का सपोर्ट चाहिए, आपको लॉजिस्टिक में पैसा का सपोर्ट चाहिए, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका अधिकारी कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनता है। तो एक तरीके से ये संवाद है, टू वे कम्युनिकेशन है, और वो सिस्टम बहुत मजबूत होता है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो भारत में जो टू वे कम्युनिकेशन, इनफैक्ट भारत में 360 कम्युनिकेशन है, तो इस कम्युनिकेशन के साथ प्रधानमंत्री अपने देश के जवानों को, अपने सरहद पे तैनात सेना को और पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में दिवाली का मतलब वही है कि हम पारंपरिक तरीके से, एक तरीके से अधर्म पे, धर्म पे जो भी हमारी जीत है उसको मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम मैसेज ये आपको देना चाहते हैं कि हमारी सेना एकदम सशक्त है और इधर कोई भी नजर उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारे मंत्री, हमारे ब्यूरोक्रेट, स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री देश के चारों हिस्से में घूम घूम के लोगों के साथ। बिल्कुल केएम, एक बड़ा कड़ा संदेश देती है। इसके अलावा ये देश में दिवाली का त्योहार इसे और भी तस्वीरें बेहद खास बना देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।